हम सब पैदाइशी एक्टर हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आप को न जाने किस किस करेक्टर एक्टर का चोला पहनाते हैं। बचपन से ख्वाब था एक्टर बनने का, पढ़ाई लिखाई में ज़ीरो और बनना था हीरो। माँ बाप कहते थे ना लायक, ख्वाबों को कोई बांध नहीं सकता। ख्वाब तो खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं साहब, किस ऊंचाई पे निकल जाएं कुछ पता नहीं। Music is my life. Music is my passion. Music is in my blood. Music is in my heart. I live music. I sleep music. Music, music, music. Music is my gold ring. I am the greatest pop king. Dadu. देखो मेरे को फर्जी ड्रेस में फर्स्ट प्राइज मिला है और मैं रावण बना था। रावण, आखिर गया तो तू अपने दादू पे ही है। कल शाम को ठीक 6 बजे रेलवे ब्रिज के नीचे माल लेके पहुंच जाना। वहीं पे तुम्हें तुम्हारा 2 खोखा मिल जाएगा। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर माल खरा निकला तो अगली डील के लिए जगह और वक्त जल्द बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ अकेले ही आओगे। जी सर। गोपी बोलो सर। एक रोल है तेरे लिए पिक्चर में। जी सर सुबह पहुंच जाऊंगा सर 9 बजे। अबे अपने आप को हीरो समझता है क्या? जूनियर आर्टिस्ट है, जूनियर ही बन के रहे। ठीक है सर, सुबह 6 बजे पहुंच जाऊंगा सर। क्यों बे, रावण ही बनना था? राम नहीं बन सकता था क्या? चल भाग। Thank you.
चेहरे के ऊपर चेहरा, क्या है असली चेहरा और कौन सा है नकली चेहरा? लोग मुझे बहरूपिया बुलाएं या जोकर, कोई फिक्र नहीं। हर शख्स बहरूपिया है यहां पर। सामान उतारो, लेट हो जाएंगे, साहब गुस्सा करेंगे लेट हो गए तो। हाँ हाँ कर तो रहे हैं, फटाफट फटाफट, जब देखो जल्दी, कहीं गाड़ी थोड़ी ना छूटी जा रही है। दादा लाइट पकड़ा, जल्दी पकड़ो। वो भरत यार, वो बजरंगी को बुलाओ, उसका सीन रेडी है, वो बताया था ना उसको आज। अरे रावण का रोल करना है उसने। चल तू रखिए, मैं करता हूँ। सर उसी का फ़ोन था अभी, वो कह रहा मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो वो कह रहा मैं आ नहीं पाऊँगा। अच्छा यार, पहले ही बता सकता था यार वो, यार ऐसे थोड़ा ना होता है। अरे यार आज तो बहुत इंपॉर्टेंट शूट है यार, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या है यार, वो कौन है? सर वो तो गोपी है, उसको तो छोटे मोटे रोल के लिए बुलाया था। अच्छा उसको बुला के लाया, उसको बोला मैंने बुलाया, शायद उसको रावण का रोल देता। ठीक है यार, डायरेक्टर सर ने बुलाया, रावण का रोल करोगे? वाह, रावण का रोल और मैं, जरूर करूंगा। लगता है भगवान राम ने मेरी सुन ली। चलो सर, गोपी। अच्छा हाँ ठीक है, तो गोपी क्या करना है आपने, जल्दी से रावण का आउटफिट पहन के आ जाओ। ठीक है, क्या करना है मैं बताऊंगा, अच्छे से करना। ठीक है जी सर, जी सर, थैंक यू सर, जल्दी से पहन ले। हेलो राधा बेटा, आज मुझे पिक्चर में एक बहुत बड़ा रोल मिला है, कृष्णा को लेके आ जाऊं, वो भी मेरी एक्टिंग देख लेगा।
शॉट में आ जाए। आपने जाके पूरा ये ऐसे आ गया। सीन वन टेक थ्री एक्शन। स्वामी आप सीता को छोड़ दीजिए, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो स्वयं भगवान है। यदि राम एक नर है तो आज उसका वध मेरे हाथों से निश्चित है, और यदि वो कभी कभी सोचता हूँ नायक हूँ मैं या खलनायक, पर खलनायक भी तो शायद एक नायक ही होता है। चलो क्या फर्क पड़ता है, सब राम जी की ही लीला है। कट कट गाइस कट। अरे गोपी यार वेरी वेल डन भरत, इनको ना हमने अगली बारी लीड के लिए कंसिडर करना है जी, ठीक है ना। चलो डन जी, पैक अप। अरे दादू आप भी तो रावण ही बने हो, मुझ पे तो आप गुस्सा कर रहे थे। बेटा ये कलयुग है और हम सब यहाँ पे रावण का ही रोल अदा कर रहे हैं, और हर माँ चाहती है कि उसका बेटा राम बने, और तुझे राम ही बनना है। राम आज जीवन के इस मोड़ पे लग रहा है कि जीरो नहीं हीरो हूँ मैं, ना लायक नहीं नायक हूँ मैं।